सर लॉग में उतना ही होगा सर। सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सबसे पहले तीन वर्ड आपके सामने आते हैं। एक आता है सीक्वेंस, एक आता है सीरीज और एक आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर तीन वर्ड बनाए गए हैं तो ऑब्वियसली इन तीनों वर्ड में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो किया ही गया होगा, है ना भाई। कुछ चीज़ों में सीक्वेंस का यूज़ होगा, कहीं उसको सीरीज लिख दिया गया है, हाँ है ना, कहीं उस सीक्वेंस और सीरीज को प्रोग्रेशन लिख दिया गया। तीनों में कुछ तो बेसिक डिफरेंस है ना, जिसकी वजह से ये तीन वर्ड अलग अलग यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम यही समझेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है ना। आप में से अगर किसी को कुछ आइडिया हो कि तीनों में से डिफरेंस क्या हो सकता है तो वो बात जरा अपनी बताएं। चलिए, ओके, अब बात करते हैं जरा कि क्या डिफरेंस है। देखो, सीक्वेंस और सीरीज में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है रिप्रेजेंटेशन का। जैसे सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि आपने एलिमेंट्स लिए और वो एलिमेंट्स एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सही है ना। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, सर एलिमेंट्स जैसे 2 का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल इस तरीके से सर। नहीं, एलिमेंट्स कोई भी डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एलिमेंट्स फॉलोड बाई डेफिनेट पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो तो वो हमेशा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। जैसे अगर मैं एग्जांपल वाइज आपके सामने लिखूं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो इसमें आपने देखा ना हर बार हर नंबर 2 यूनिट आगे बढ़ रहा है। हाँ है ना, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2 4 8 16 एंड सो ऑन, हर बार हर नंबर में 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, दिखा क्या। जैसे मैंने हाँ आपके सर सामने लिखा 1 3 7 7 फिर 13 फिर 21 एंड सो ऑन। अब क्या हो रहा है, हर बार पहले मैंने क्या ऐड हुआ 2, फिर अगले में क्या ऐड हुआ 4, फिर अगले में क्या ऐड हुआ 6, अगले में क्या ऐड हुआ 8, तो ऐसे 2 2 2 बढ़ के ऐड होते चले जा रहे हैं। तो भी एक डेफिनेट पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, फिबोनाची सीरीज फिर 13 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें भी एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नंबर्स को आप ऐड करते हुए लिखते चले जा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो जब भी आपने कोई भी डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हुए कोई भी सीरीज या कोई भी सीक्वेंस लिख दिया, कोई भी सीक्वेंस लिख दिया, कोई भी अरेंजमेंट लिख दिया जिसमें नंबर क्या कर रहे हैं, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी अरेंजमेंट आपने ऐसा लिख दिया जिसमें आपके नंबर्स क्या कर रहे हैं, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं एलिमेंट्स, तो उस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं, सीक्वेंस। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना सीक्वेंस और सीरीज में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो रिप्रेजेंटेशन का होता है। सीरीज में क्या करते हैं कि हम सारे एलिमेंट्स को सम में लिख देते हैं, सही है, राइट ऑल एलिमेंट्स बाय यूजिंग प्लस साइन। मतलब सारे एलिमेंट अगर हम एडिशन के फॉर्म में लिख दें, समझ में आया, बोलिए। तो उसे हम क्या कह देते हैं, सीरीज कह देते हैं। जैसे सीरीज का मैं एग्जांपल अगर आपके सामने लिखूं तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये एक सीरीज है। 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ये भी एक सीरीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस 3 प्लस 7 प्लस 13 माइनस 21, ये भी एक सीरीज ही है, क्योंकि माइनस को तो हम ब्रैकेट में लेके प्लस साइन लिख सकते हैं ना। नहीं समझे, तो यस ये डिफरेंस हो गया सीक्वेंस और सीरीज में। सीक्वेंस में एलिमेंट एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं,
सीरीज में एलिमेंट साइन के साथ लिख देते हैं तो सीरीज बन जाती। अब आखिरी आता है प्रोग्रेशन की बात, सही है? तो प्रोग्रेशन में भी एलिमेंट एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। प्रोग्रेशन में भी क्या होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं किसको, डेफिनेट पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। जैसे सर कॉमन नंबर सेम हो, समझे? एलिमेंट एक डेफिनेट पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, बट इसमें क्या होता है, वी कैन राइट nth टर्म, वी कैन राइट tn, tn का मतलब हो गया nth टर्म, है ना, जिसकी हेल्प से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारे टर्म्स। मतलब हम एक जनरल टर्म नहीं, हम कहते हैं nth टर्म हम लिख सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम सीरीज के सारे टर्म्स लिख सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम सीरीज के सारे टर्म्स लिख सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं एग्जाम्पल वाइज लिखूं तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसका अगर आप tn देखो तो 2n-1 है। बोलो, n की वैल्यू 1 रखोगे पहला टर्म मिल जाएगा, yes, n की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तीसरा टर्म मिल जाएगा, हाँ या ना? ऐसे ही मैंने आपसे कहा 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ये भी एक सीरीज है, क्योंकि इसका tn क्या है, 2 की पावर n-1। बोलो, n की वैल्यू 1 रखो पहला टर्म मिल गया, n की वैल्यू 2 रखो दूसरा टर्म मिल गया, क्या नाम? तो इस tn की हेल्प से आप सीरीज के सारे टर्म्स को लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, हाँ या ना? अब मुझे बताओ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन, इसका tn डिफाइन है? नो सर। तो इसमें कोई tn डिफाइन नहीं है, देखा क्या, इसमें कोई tn डिफाइन नहीं है सर। तो इसीलिए इसको हम क्या नहीं कहेंगे, प्रोग्रेशन नहीं, प्रोग्रेशन ये प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन है, बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। बट क्या ये सीक्वेंस है? यस सर। बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। अगर इसको ऐड करके लिख दें 1+2+3 तो ये सीरीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? यस सर। बट ये प्रोग्रेशन, तो कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब बनेगा, जब उसका एक डेफिनेट पैटर्न होगा और उस पैटर्न में हम क्या लिख सकते होंगे, nth टर्म। उस पैटर्न में हम क्या लिख सकते होंगे, nth टर्म, nth टर्म, तब हम उस सीक्वेंस को क्या, मतलब उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। तो अब बताओ, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस? यस सर। एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट प्रोग्रेशन, नॉट अ प्रोग्रेशन। यस सर। Is not a progression. ये डिफरेंस याद रखिएगा, समझ में है? तो सीरीज का यूज तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हो गया, सीरीज का यूज कैसे हो गया भाई, रिप्रेजेंटेशन पर्पज से, बट सीक्वेंस और सीरीज का बेसिक डिफरेंस समझ में आया सबको? क्या प्रोग्रेशन का nth टर्म होगा? बिल्कुल होगा, बिना nth टर्म के प्रोग्रेशन नहीं बन सकती, क्योंकि प्रोग्रेशन में एक ऐसा जनरल टर्म आपको लिखना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर सकें। बट क्या सीरीज का सीक्वेंस का nth टर्म होगा? हो भी सकता है, नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है, है ना भाई? सीक्वेंस का nth टर्म हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि होना ही चाहिए, समझ में आया? बट प्रोग्रेशन के लिए जरूरी है कि वो डेफिनेट पैटर्न होने के साथ साथ उसका nth टर्म हो और उस nth टर्म की हेल्प से आप सारे टर्म्स को क्या कर पाए, एक्सप्लेन करके लिख पाए। ये बेसिक डिफरेंस सबको समझ में आ गया भाई, सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन का, हाँ या ना? चलिए, अब इसमें दो वर्ड आप यूज करेंगे,
एक तो हम यूज करेंगे कि tn का मतलब क्या होता है, जो कि अभी आपने पढ़ा nth टर्म, किसका भाई, ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म किसका भाई, सीक्वेंस का nth टर्म मतलब सीक्वेंस का nth टर्म बने, सीक्वेंस का nth टर्म बनेगा मतलब वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन बन गई ना। अरे बोलो, सीक्वेंस का nth टर्म बनेगा मतलब वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन बन गई ना, और n एक नेचुरल नंबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर आपको tn पता है तो n की वैल्यू वेरी करा करा के आप t1 t2 t3 t4 t5 जो भी टर्म चाहिए सब निकाल लेंगे कि नहीं, हाँ या ना बताते जाओ। यस सर। हाँ बेटा सर, सर सीरीज का nth टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना सर। और मतलब समझे, nth टर्म का मतलब हो गया nth टर्म ऑफ एन सीक्वेंस। हाँ चलिए, तो tn का मतलब हो गया nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो n की वैल्यू वेरी कराते जाएंगे तो आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरा वर्ड आप पढ़ते हैं sn, जिसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। चलिए, sn का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म ध्यान रखिएगा, sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी t1 से लेके कहां तक भाई, लास्ट तक सर, t1 प्लस t2 प्लस t3 से सर डॉट डॉट tn तक, tn तक n टर्म्स का सम, वो भी फर्स्ट n टर्म्स, ये sn होता है। अब sn का मतलब ये नहीं होता है t2 प्लस t3 से लेके tn प्लस 1, आपको भाई sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स होता है, तो n टर्म्स तो ये भी है ना, बट ये sn को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, sn को ये रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, sn को ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो जो पहले n टर्म्स आपने लिखे उनको आप ऐड करेंगे तो आपको sn मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, बट ये sn को रिप्रेजेंट नहीं करता है, समझे। sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स नहीं होता, sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्लियर हो रहा है। तो मुझे सोच के बताओ, sn का मतलब अगर t1 प्लस t2 से लेके tn तक है, tn माइनस 1 एंड tn, तो sn माइनस 1 का मतलब क्या होगा, बोलो, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, क्या कहते हो? यस सर, यस सर। अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं, tn अगर, तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, यहाँ से आएगा sn में से sn माइनस 1 माइनस करें तो tn आ जाएगा। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि nth टर्म का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। ये किसी भी टाइप की सीक्वेंस के लिए वैलिड है जिसका nth टर्म आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप सम ऑफ n टर्म्स में सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स माइनस कर दें तो आपको हमेशा nth टर्म मिलेगा, ये बात आपको दिख रही कि नहीं, बोलिए। जहां पे tn का मतलब आपने क्या समझा है भाई, nth टर्म, और sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो अगर आपको sn पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं भाई, अगर आपको sn पता है तो sn के हेल्प से sn माइनस 1 निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, nth टर्म, nth टर्म, ये बात समझ पाए। अब sn कैसा भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, sn में से sn 1 sn माइनस 1 माइनस करेंगे, सीधा सिंपलीफाई करेंगे, n की जगह n माइनस 1 लिख देंगे तो आपको sn माइनस 1 मिल जाएगा, और sn में से sn माइनस 1 माइनस करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, उस सीक्वेंस का nth टर्म। और अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म है तो वो तुरंत सीक्वेंस क्या बन जाती है, प्रोग्रेशन। समझ पा रहे हो कि नहीं सर, अगर nth टर्म में sn माइनस 1 प्लस कर देंगे तो सम आ जाएगा सर उसका nth फर्स्ट nth टर्म का, कैसे बेटा कैसे आ जाएगा, जरा समझाओ सर।
चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि अगर SN आपको पता है तो आप TN निकाल सकते हैं, हाँ या ना बताओ मुझे, ये बात समझ पाए कि नहीं? अगर SN दिया है तो आप TN निकाल सकते हैं। वो तो अभी बता रहे हैं, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा आइए, जैसे मैं कहूँ कि फाइंड TN ऑफ अ सीक्वेंस if SN equal to N square plus N, तो क्या करोगे बोलो भाई? SN का मतलब अगर N square plus N है तो SN minus 1 का मतलब क्या होगा? N minus 1 whole square plus N minus 1, यानी क्या ये N square minus 2N plus 1 plus N minus 1 होगा? तो क्या ये n स्क्वायर माइनस n होगा? एम आई करेक्ट और नॉट? देख लो, बोलो। हाँ सर। अब हमें चाहिए tn। tn क्या होता है? sn में से sn माइनस 1 माइनस करना होता है, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस n, तो क्या ये 2n आ जाएगा? बोलो। यस सर। तो tn की वैल्यू 2n आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Good. अब यहीं पे मैं आपसे पूछूं, find TN of a sequence. Sir, screen freeze हो गई. Yes, screen freeze हो गई. सबसे पहले आपको SN दिया था, तो आपने उसकी हेल्प से SN माइनस 1 निकाल लिया होगा, यही तो किया होगा? यस सर। SN आपको दिया था n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 3, और SN माइनस 1 करने के लिए आपने किया होगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। प्लस 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस 3, यही किया होगा आपने? तो फिर TN निकालने के लिए आपने क्या किया होगा? SN में से SN माइनस 1 माइनस कर दिया होगा। तो पहले आप SN माइनस 1 सॉल्व कर रहे होंगे ना? यस सर। यस सर। अब देखिए n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब सर, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस प्लस सर, n माइनस 1 को कॉमन लेके करें, n माइनस 1 आ जाएगा, देख लीजिएगा आराम से। नहीं नहीं, माइनस करेंगे तो बीच में माइनस, सर ब्रैकेट के बाहर तो आपने माइनस लगा दिया है ना, तो अंदर क्यों? और ये तो 3 हट ही जाएगा, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब लगा देंगे, बोलते जाना भाई सब लोग। n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, टाइम उतना ही लगभग लगेगा, ये माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ पे आ जाएगा टू फोर एन माइनस टू माइनस वन, तो ये पूरा आ जाएगा 3n स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा n और यहाँ से बचेगा कितना, माइनस टू। ठीक है, यही tn आ रहा है, देख लीजिए आराम से। यस सर। भाई ये आप या तो इसको सिंपलीफाई कर लो, है ना, क्यूब ओपन करके, या फिर डायरेक्ट दोनों को माइनस कर लो, चॉइस है आपकी, दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। हाँ, आपको ही कुछ कहना चाह रहा था। इसमें आप क्या करते हैं, पहले SN से SN माइनस 1 निकालते, आया ना, और फिर TN आ जाता, TN में N की वैल्यू 50 रख के आंसर लिख देते, हाँ या ना बताओ मुझे, यही करते। अब सोच के देखो, क्या हमें TN की जरूरत है ना, हम सीधा T50 नहीं निकाल सकते हैं क्या? S50 माइनस S49, सोच के बताओ मुझे। हाँ हम TN निकाल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे बताओ भाई? TN की जरूरत तो नहीं, सीधा T50 भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे हम TN लिखते हैं SN माइनस SN माइनस 1, ऐसे हम सीधा T50 भी तो लिख ही सकते हैं ना, बोलो।
हाँ है ना भाई, और एस फिफ्टी की वैल्यू सीधा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। ये आपने फॉर्मूला एक बार बुक किया है ना, 50 माइनस 49। हाँ, और फिर सीधा हम एस 49 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बोलो, और दोनों को सीधा माइनस कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है कि नहीं बताओ मुझे। यस सर, यस सर। फिफ्टी प्लस 49 करोगे कितना आ जाएगा, 99 क्या? हाँ सर। 99 इंटू 2 करोगे 198 आता है क्या? 201। हाँ 198 प्लस 3 201। तो आंसर क्या 201 आ गया? यस सर। कोई कंफ्यूजन अगर आ रहा हो तो बताओ। समझ में आया कि नहीं भाई? तो इसमें क्या tn पहले निकालते फिर n की वैल्यू रखते, तो क्या tn की जरूरत थी? नहीं थी, सीधा n की वैल्यू 50 पहले ही रिजल्ट में लिख दो ना। अरे हाँ ना बताओ भाई, काम तो बाद में भी वही करोगे ना, पहले n का कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट करो फिर इसके बाद 50 रखो, तो डायरेक्ट ही 50 निकाल लो, क्या दिक्कत है बोलो भाई। अरे बोलो। यस सर। अच्छा अगले क्वेश्चन में आइए। इफ ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन स्क्वायर माइनस ए एन माइनस वन, ठीक है, वेयर ए एन इज जनरल टर्म फॉर अ गिवन सीक्वेंस, मतलब किसी सीक्वेंस के जनरल टर्म में रिलेशन आपको दिया हुआ है, क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? है ना। अच्छा इफ ए जीरो इक्वल टू टू, ए जीरो कितना दिया हुआ है भाई, टू, एंड ए वन इक्वल टू थ्री, तो आपसे पूछा गया है फाइंड फाइंड ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव, बताओ। सर ए जीरो कैसे हो सकता है? सर ए टू फोर, सर हम एन को वन ले लेंगे और इस तरह क्वेश्चन, हाँ इस तरह क्वेश्चन करते कैसे? आपको क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है ना, ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन का स्क्वायर माइनस ए एन माइनस वन दिया हुआ है, एन तो एक नेचुरल नंबर होगा, ये तो अंडरस्टूड है। सॉरी स्क्रीन फ्रीज है सर कि नहीं, करना क्या होता है, ए एन प्लस वन का रिलेशन आपके सामने दिया होगा, उसी रिलेशन की हेल्प से आप सिंपलीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तरीका क्लियर हो रहा होगा सबको। अब जब भी आपको इस तरह का रिलेशन दिया जाएगा तो उसमें आप एन की वैल्यू वेरी कराते जाएंगे और सारे टर्म्स निकालते चले जाएंगे, कर लेंगे कि नहीं अब इस तरह की सिचुएशन डील, बोलो। सर ए ऑफ जीरो डिफाइन कैसे है सर, एन की वैल्यू तब तो माइनस वन आ जाएगी। नहीं तो एन की वैल्यू माइनस वन रखी कहाँ गई है, ए ऑफ जीरो तो आपको डिफाइन करके पहले से इसीलिए दिया है ना, क्योंकि एन तो वन से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ए जीरो की वैल्यू आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी है, जिनकी एन वन से ही शुरू होगा क्योंकि एन एक नेचुरल नंबर है, तो जिनकी वैल्यू हमें रिक्वायर होगी वो तो क्वेश्चन में हमें मेंशन है ना ऑलरेडी पहले से ही, नहीं समझे? सर n = 4 तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो कैलकुलेशन वाली बात है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमको, नहीं सर दूसरे का पहला। हाँ एक सेकंड, हमको sn दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n और हमें चाहिए t 50, तो हम क्या करेंगे s 50 में से s 49 माइनस कर देंगे, तो 2 इंटू 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50 माइनस 49, तो ये आ जाएगा 99 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 201, पहला खत्म।
सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आइए, हमको ए एन का रिलेशन दिया हुआ है टू टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए एन माइनस टू, और एन टू से ग्रेटर होना चाहिए, सही है ना? ठीक है, तो एन की वैल्यू इसमें क्या रख देंगे, थ्री, तो ए थ्री कितना आ जाएगा, टू इंटू ए टू, थ्री इंटू ए वन, ए टू की वैल्यू भी दे रखी है वन, ए थ्री भी वन दे रखा है, तो फाइव आ गया। एन की वैल्यू रख देंगे कितना, फोर, तो ए फोर कितना आ जाएगा, टू इंटू ए थ्री प्लस थ्री इंटू ए टू, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? ए थ्री हमने फाइव निकाला है, तो फाइव इंटू टू प्लस टेन प्लस टू, तो क्या ये नहीं, प्लस थ्री, तो थर्टीन आ गया, देखते हैं ना। ऐसे एन की वैल्यू रख देंगे फाइव, तो ए फाइव कितना आ जाएगा, टू इंटू ए फोर क्या, प्लस थ्री इंटू ए थ्री, तो ट्वेंटी सिक्स, और प्लस फिफ्टीन क्या, फोर्टी वन आ गया। ऐसे एन की वैल्यू रख देंगे सिक्स, तो ए सिक्स कितना आ जाएगा, टू ए फाइव प्लस थ्री ए फोर, अरे बोलो, यस, ए फाइव इंटू टू करेंगे तो एट्टी टू आएगा, और थर्टी नाइन, तो क्या ये वन ट्वेंटी वन आ जाएगा, यस सर। तो इसका मतलब फर्स्ट सिक्स टर्म क्या है, बोलो, वन वन, ये तो पहले दो टर्म हो गए, फिर फाइव, फिर थर्टीन, फिर फोर्टी वन, फिर वन ट्वेंटी वन, यही तो फर्स्ट सिक्स टर्म है, बोलो भाई, समझ गए कि नहीं क्या किया? Yes, चलिए ऐसे अगला वाला करो, इसका सेकंड वाला पार्ट। सर एक बार फर्स्ट स्टेप बता देंगे सर?